कैसा है? मस्त है। है? मस्त है। हेलो फूडीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी बंदर। और भाई आज हम हैं सोलन मेले में और यहाँ पर आए हुए हैं बहुत दूर दूर से, मुंबई से, गुजरात से, साउथ से, आसाम से, बहुत सारे फूड वेंडर्स आए हुए हैं जो कि अपना फूड सर्व करते हैं यहाँ पे आकर। बहुत फेमस ये मेला रहता है। तो गाइस हम चलते हैं सोलन मेले के अंदर और देखते हैं कि कैसा रहने वाला है हमारा आज का एक्सपीरियंस। तो आ जाओ लेट्स। यहाँ पे हो चुके हैं हमारे बड़ा तैयार आवाज़ देख लो, बिल्कुल धीमी आंच पे इसे पकाया जा रहा है ताकि स्वाद में कोई कमी ना रह पाए। और ये देखो भाई, गर्मा गर्म निकलते ही सीधे के सीधे आगे तवे। तो क्या है भैया ये जो बना रहे हो? ये मसाला पाव। अच्छा मसाला पाव, इसमें क्या क्या डालते हो भैया? सर इसमें जैसे अच्छा हरी मिर्च की चटनी हो गई, अच्छा फिर खजूर की चटनी हो गई, अच्छा साथ में बड़ा वगैरह आलू की चटनी होगी। बड़ा बड़े के साथ ही उसे पाव में लगा दिया जाता है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ये आ चुका है हमारा मसाला पाव जो यहाँ पे ये खिला रहे हैं। देखने में कितना मजेदार लग रहा है, टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा रहने है। भाई अब हम लेते हैं इसकी फर्स्ट बाइट और ये देखो जो मसाला इन्होंने ऊपर रखा हुआ है, क्या मजेदार फील करा हुआ है। और मात्र 100 रुपये में भाई ये दे रहे हैं। मेले में ऐसे ही थोड़ा प्राइस हाई होता है, आप लोगों को बनाइए। मैं लेता हूँ इसकी फर्स्ट बाइट और आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट कर रहा है। भाई बाइट स्पाइसी है ये। ओहो, इन्होंने मसाला अपना डाला हुआ है मुंबई स्पेशल, जैसे कि भैया ने बताया, ताकि मज़ा आ गया। मेले में अगर ऐसा खाना मिल जाए तो कहने ही क्या। और तो भाई इन्होंने अपनी चटनी बनाई हुई है, आप अंदर चेक कर सकते हो क्या बढ़िया फिलिंग की हुई है इसके। मैं इसे रेट करूँगा 10 में से 9, क्योंकि मिर्च बहुत ही ज़्यादा है भाई। तो भाई हम नेक्स्ट अपने काउंटर पे आ चुके हैं बाला सिड्डू कॉर्नर और यहाँ पे भैया बना रहे हैं सिड्डू। और गाइस आप इनके इसका साइज देख के अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर कितने सिड्डू होंगे। एक बार और एक बार ये खोल के दिखाओ क्या चीज है। तो इसमें कितने सिड्डू आ जाते हैं एक बार में? 15-20। क्या बात है, क्या बात है। एक बार में देख लो आप कितने सिड्डू इसके अंदर भैया ने डाले हुए हैं। इसकी फिलिंग रहती है अंकल इसके अंदर? फिलिंग इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट की रहती है। अच्छा मिक्स ड्राई फ्रूट। हाँ जी। क्या बात है। और आप इसे देसी घी के साथ सर्व करते हैं? देसी घी के साथ। चटनी जो है वो भी अखरोट और तिल की रहती है। क्या बात है जी, क्या बात है। मतलब बहुत ही बढ़िया खाना खिला रहे हो आप यहाँ पे मेले में और लोग कितना प्यार दे रहे हैं। 1 सिड्डू 2 सिड्डू 4 सिड्डू के ही ऑर्डर आ रहे हैं। और एक अंकल हमारे लिए लगवाओ जरा सिड्डू, खा के हम अपने दर्शकों को बताएं कि सिड्डू का टेस्ट कैसा रहता है। भाई ये कर दिया इन्होंने ऊपर से देसी घी लोड। ओए होए मजेदार भैया। हाथ में ये किस चीज की चटनी है अंकल? अखरोट की चटनी है, साथ में ये मोमोज वाली चटनी। क्या बात है, क्या बात है। ये आ चुका है हमारा सिड्डू यहाँ पे और मैं आपको चल के बताता हूँ। हाँ जी मैं आपको चल के बताता हूँ कि सिड्डू का टेस्ट कैसा है और क्या मजेदार लग रहा है ये दिखने में। और मात्र 100 रुपए में इसे सर्व कर रहे हैं गाइस। और मैं आपको लेके इसकी फर्स्ट बाइट बताता हूँ कि कैसा टेस्ट है। और सबसे पहले तो फिलिंग चेक कर लेते हैं इसमें। कहा जा रहा है कि ड्राई फ्रूट की फिलिंग है इसके अंदर और आप भाई चेक कर सकते हो, सच में ही ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग है इसके अंदर। और मैं आपको इसकी बाइट लेके बताता हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। गाइस टेस्ट दी बाइट और हम देखते हैं कि कैसा होगा इसका टेस्ट। इतना मजेदार फ्लेवर आ रहा है ड्राई फ्रूट का मिक्स जो इन्होंने डाला हुआ है और साथ में जो इनकी अखरोट और तिल वाली चटनी है उसने तो गाइस 4 चांद लगा दिए हैं सिड्डू पे। मजेदार अमेजिंग। सिड्डू खा के आ गया मुझे मजा और अब चलते हैं वो अपने नेक्स्ट कॉल।
भाई साहब नेक्स्ट है हमारा मशहूर फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम जो कि ये यूट्यूब पे भी है भाई, यूट्यूब की रोलर कोस्टर आइसक्रीम इन्होंने नाम दिया हुआ है और यहाँ पे आइसक्रीम बना रहे हैं। तो भैया क्या क्या डालते हो इस आइसक्रीम में? इसमें पहले रबड़ी लगाई जाती है जी, फिर फ्रूट लगाए जाते हैं सारे। अच्छा सारे फ्रूट्स? हाँ जी। क्या बात है क्या बात है। इसके बाद स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट लगा के सर्व किया जाता है। बहुत बढ़िया भैया, तो हमारे लिए एक लगाओ और दिखाओ कि कैसा टेस्ट कर रही है ये, जो कि लोग इतने दीवाने हुए पड़े हैं यहाँ पे। तो भाई ऐसे तैयार हो रही है हमारी ये फ्रूट आइसक्रीम और ये लगा दी है भाई इन्होंने हमारे लिए फ्रूट आइसक्रीम और मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि क्या टेस्ट है इसका, कैसा टेस्ट है। और मैं लेता हूँ इसकी बाइट और आपको बताता हूँ कि कैसी है ये फ्रूट आइसक्रीम और क्या ये खिला रहे हैं या ऐसे ही बातें कर रहे हैं। मैंने पहले कभी नहीं खाई है ये, आज आपको चेक करके बताता हूँ कि कैसा रहने वाला है इसका टेस्ट। ये इसकी बाइट और दिखने में तो बहुत अमेजिंग लग रही है ये। थोड़ी सी ज़्यादा मीठी है बाकी टेस्ट तो ओके है। मैं इनकी फ्रूट आइसक्रीम को रेट करूंगा 10 में से 6। आजा राजस्थान में, राजस्थानी दाल बाटी, दाल बाटी, दाल बाटी। नाम है अपनो राजस्थानी और यहाँ पे मिल रही है बड़ी जबरदस्त चीजें। क्या क्या खिला रहे हो भैया यहाँ पे? हम राजस्थानी थाली खिला रहे हैं स्पेशल वाली। क्या बात है। और ये तो हलवा जैसा लग रहा है। ये हलवा है मूंग दाल का। अच्छा। में जिसको राजस्थान में शीरा बोलते हैं। शीरा ये क्या है साथ में? ये दाल बाटी चूरमा वाली दाल है जी। क्या बात है भाई, आप कलर देख सकते हो इसका कि क्या अमेजिंग कलर है। और ये मूंग मोठ बेसन गट्टा, बेसन के गट्टे साथ में यहाँ पे सर्व किए जा रहे हैं मेले में। बहुत बढ़िया, एक बार चला के दिखाओ इसे भैया। ओए होए होए क्या बढ़िया रंग दे रहा है इसमें, कस्तूरी मेथी दिख रही है मुझे इसमें। और ये राजस्थान की मसाला बाटी होती है। ये मसाला बाटी इसके अंदर क्या डालते हो आप? ये मसाला बाटी होती है बाजरी, ज्वार और गेहूँ, कड़क आटा, मोटा आटा होता है ना, उसको पीस के बनाते हैं। क्या बात है भैया, बहुत ही जबरदस्त। एक थाली लगाओ हमारे लिए जरा, हम अपने दर्शकों को बताएं कि कैसा टेस्ट है इसका। तो भाई ये लग रही है हमारी दाल बाटी चूरमा की थाली, यहाँ पे भैया लगा रहे हैं। सबसे पहले ये क्या भैया? बाटी। बाटी को गाइस तोड़ दिया गया पहले तो। क्या बात है, इसे तोड़ के खाते हैं भैया? तोड़ के बना के देते हैं, अगले वाले का खाने का काम रहता है। अच्छा, बस हमारा खाने का काम रह जाएगा भाई साहब, ऐसा कह रहे हैं भाई साहब। साथ में आ गया मूंग दाल का हलवा इसमें और साथ में डाल दिया गया ये क्या भैया? देसी घी। देसी घी डालते हो साथ में, क्या बात है। और ये आ गई थी अपनी दाल। दाल किस चीज की होती है? पांच प्रकार की मिक्स दाल होती है। अच्छा, पांच प्रकार की मिक्स दाल है ये, बहुत ही बढ़िया भैया। और साथ में ये क्या है इसमें क्या भैया? अच्छा, लहसुन की चटनी बना रखी है इसमें आपने, क्या बात है। और ये आ गई थी हमारे मूंग मोठ बेसन के गट्टे होते हैं। क्या बात है, ये है भाई मूंग मोठ बेसन के गट्टे। तो भाई साहब ये यहाँ तो नहीं मिलते हमारे शहर में? नहीं, इसको इसलिए बनाना पड़ता है। अच्छा, इसे बनाना पड़ता है स्पेशली। और साथ में ये क्या भैया? चूरमे का लड्डू हो गया। अच्छा, ये चूरमे का लड्डू आपने बताया, क्या बात है भैया। दाल बाटी चूरमे की थाली जिसके अंदर है बेसन की सब्जी, साथ में दाल और बाटी, और साथ ये है बेसन के गट्टों की सब्जी भाई, साथ में चूरमे वाला लड्डू, मूंग दाल का हलवा और साथ में आ जाती है भाई हमारी दो मिस्सी रोटी। क्या बात है, ओहो जबरदस्त लग रही है भाई ये तो। तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा रहने वाला है और मैं लेता हूँ इसकी फर्स्ट बाइट। तो भाई हियर्स द बाइट। अमेजिंग भाई, दालों का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, बहुत ही मजेदार है। और जो भी इन्होंने बाटी बनाई हुई है वो इतनी सॉफ्ट है कि जैसे ही मुंह में डाल रहे हैं बस बिल्कुल घुल जा रही है। साथ में लेते हैं हम अपना चूरमे का लड्डू, चेक करते हैं। ऐसा भी लड्डू इतना सॉफ्ट है, इतना मजेदार लड्डू है ये, जैसे मम्मा बचपन में चूरी बना के हमें खिलाया करते थे, बिल्कुल ऐसा टेस्ट कर रहा है ये। ओहो मजेदार भाई, मजा आ गया। ऐसा लग रहा है राजस्थान में माउंट आबू पहुंच चुका हूँ और टॉप पे कहीं बैठ के दाल बाटी चूरमा खा रहा हूँ साथ में, बहुत ही अमेजिंग। अब लेते हैं हम अपनी मिस्सी रोटी की बाइट। मिस्सी रोटी की बाइट लेते हैं इसके साथ, साथ में लगाते हैं गट्टे की सब्जी जो की है बेसन वाली।
मैंने तो इसकी फर्स्ट बाइट और आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट करती है। मजा आ गया खाके। बेसन के खट्टों का जो स्वाद आ रहा है ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, बहुत हल्का फ्लेवर है स्पाइसेस का। और जो मिस्सी रोटी के साथ बेसन के खट्टे की सब्जी खाने का मजा आ रहा है मैं आपको बता सकता भाई, बहुत ही अमेजिंग। साथ में है मूंग दाल का हलवा, ऐसा वसूल दाल बाटी चूरमा खा के हमें आ गया मजा। मैं रिकमेंड करता हूँ भाई, जब भी आपको कहीं भी लिखा दिखे दाल बाटी चूरमा, और अगर आप राजस्थान में हो तो भाई जरूर खा के आना, रुकना मत कहीं भी, जल्दी में हो रुकने की कोई जरूरत नहीं है, जरूर खा के आना, एक मेरी रिकमेंडेशन है, मुझे तो खा के आ गया मजा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉल पर। भाई साहब अगला जो हमारा काउंटर है वो है छोले भटूरे, फेमस फ्रॉम अमृतसर पंजाब। पहुंच चुके हैं यहाँ पे छोले भटूरे खाने भैया के पास, तो भैया ने लगा रखे हैं यहाँ पे भटूरे, तो भाई यहाँ पे कर दिए भैया ने हमारी प्लेट तैयार, और साथ में डाल दिए हमारे लिए चने, और क्या अमेजिंग लग रहे हैं दिखने में। और भाई ये आ चुके भाई हमारी प्लेट, क्या बात है क्या बात है, बहुत अमेजिंग भाई, दिखने में ही कितनी जबरदस्त लग रही है ये प्लेट। तो भाई साहब यहाँ आ चुकी है हमारी प्लेट, और मेरे को मिल गया मेरा एक छोटा भाई, हेलो बोलते फटाफट से, और ये आपको आज चेक करके बताएगा कि कैसा टेस्ट है। भाई मुझे कह रहा था छोले भटूरे खिला दो, मैंने कहा आज आज रिव्यू तेरे से ही करवा रहे थे भाई। तो भाई ले रहा है फर्स्ट बाइट, और देख रहे हो आप क्या मजेदार है, क्या बात है क्या बात है, बहुत अमेजिंग भाई। कैसा है? मस्त है। है? बहुत अच्छा है। ठीक है चल खा ले भाई। भाई साहब यहाँ लगा रखी है हमारे भाई ने सोया चाप, और आप चेक कर सकते हो क्या जबरदस्त ग्रेवी है, यहाँ देख सकते हो आप क्या बढ़िया। और भाई ने, भाई कितनी ग्रेवी है इसमें? ये अभी कम से कम 10 किलो ग्रेवी पूरी पक्की पक्की है। 10 किलो ग्रेवी भाई ने जैसा कि बताया, थोड़ा चला के दिखाओ चाप दिखाओ जरा, क्या बात है क्या, कितनी गाढ़ी है भाई ये ग्रेवी, क्या जबरदस्त ग्रेवी है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ये आ चुकी है हमारी चाप, और चाप देख सकते हो भाई तवा चाप है ये, साथ में लोड करा हुआ है भाई ने बटर, क्या बात है। और चाप का साइज आप देख सकते हो, और ये है बिल्कुल ताजी रुमाली रोटी। अब हम इसकी लेते हैं फर्स्ट बाइट, और मैं आपको बताता हूँ कि सोया चाप और ग्रेवी कैसी लगने वाली है। ये उसकी बाइट चाप है, मतलब भाई पहाड़ों में दिल्ली वाली याद दिला दी है, बहुत ही मजेदार टेस्ट है भाई, थोड़ा सा स्पाइसी है। मैं इसे रेट करूंगा गाइस 10 में से 8, क्योंकि हमें खा के आ चुका है सोया चाप ग्रेवी मजा, और भाई आज के लिए खाना हो चुका है काफी ज्यादा, खाना खा के भाई आ चुका है मजा, और मेरा पेट तो काफी भर चुका है इतने सारे स्टॉल्स पे फूड ट्राई करके, हमें आया खाना खा के बहुत ही मजा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, हर साल लगता है ये सोलन मेला, शोनी मेला भी जिसे कहा जाता है, इस साल हमने आपको सारा फोटो करवाया घर बैठे। तो भाई मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका बंदा ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।